हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे किचन कुक विद गुड मूड में आपका वेलकम है। आज मैं फिश पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलिए मैं कैसे बनाई हूं देखिए और बनाइए। तो ये मैं हाफ के जी फिश ली हूं, ये बीच वाले साइड की है, और इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाली हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मिर्च है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये रेड वाली मिर्च है, देगी मिर्च, और मैं हरी चटनी 2 चम्मच डाली हूँ। पुदीने और धनिया पत्ते की ये हरी चटनी है, जो इसे बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ा देता है। और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दही डाली हूँ, ये घर का जमा हुआ दही है, मैं उसे अच्छे से फेंट ली हूँ। और मैं 2 चम्मच इसमें अरारोट डाली हूँ, कॉर्नफ्लावर, और इसे मैं और स्वाद के अनुसार नमक, मैं सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसे मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि इसका फ्लेवर अंदर तक चले जाए। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है। अब मैं सरसों का तेल गरम कर ली हूँ कढ़ाई में, और मैं इसे पकौड़े बना लेती हूँ। तेल को एकदम हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, और इसमें पकौड़े तल लेना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो नए मेरे चैनल पे आए हैं, एक बार आप लोग ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मैं इसे अलट पलट के अच्छे से पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। ये फर्स्ट बार में थोड़े से लगते हैं कढ़ाई में, फिर दूसरे तीसरे बार ये बंद हो जाते हैं। तो मेरे सारे पकौड़े बन गए हैं। इसे हरी चटनी, प्याज और इसमें नींबू का रस डाल के इंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।